हिट एंड रन को लेकर देखिए देश भर में चक्का जाम, ट्रांसपोर्ट ने चक्का जाम किया है, ट्रक संचालकों ने चक्का जाम किया है, साफ तौर से विरोध जताया है। कल का दिन यानी दो दिन ऐसा अहम जो सड़कों पर देखने को मिला कि ट्रक संचालक रोड को जाम किए हुए थे अपनी मांगों को लेकर, हिट एंड रन के विरोध को लेकर। देखिए अब तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आई है, गृह मंत्री के साथ बैठकर इसकी सुलह की गई है। अब क्या कुछ सुलह हुआ है वो खबर में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देश भर में हिट एंड रन के विरोध हो रहे हैं, नए कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गए और चक्का जाम कर इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्टरों की बैठक हुई। अजय भल्ला ने कहा कि अभी यह कानून लागू नहीं होगा, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल वापस लेने की तैयारी में हो गए। इसे लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्टर संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल को वापस लेने को कहा है। वहीं सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अभी यह कानून लागू नहीं होगा, संगठन से चर्चा के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। सरकार ने ट्रांसपोर्टरों से हड़ताल को समाप्त करने की अपील की है। वहीं आश्वासन मिलने के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल वापस लेने की अपनी सहमति जताई है। बता दें कि हिट एंड रन केस को लेकर केंद्रीय सरकार नया कानून लाई है। इसके दो प्रतिनिधि को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने विरोध शुरू किया। वर्तमान प्रावधान में ड्राइवर की थाने से जमानत मिल जाती है और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। संशोधन कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना का प्रावधान किया गया। इस नए कानून को लेकर बिहार समेत पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया गया। आवागमन बाधित रहने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी वाहनों के नहीं चलने के कारण कई जगहों पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल तक खत्म हो गया। वहीं ज़रूरत के सामानों का आवागमन भी ठप हो गया। कई जगहों पर तो ऑटो और ई रिक्शा वालों ने भी चक्का जाम कर दिया। परिचालन ठप होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। लोग पैदल यात्रा करने को लेकर विवश हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट पटना।